Hello everyone, so today we are going to talk about complete syllabus for subject business studies for class 12th CBSE board. So business studies syllabus is divided into two books, part A, principles and functions of management, and part B, business finance and marketing. The complete syllabus of business studies is for 80 marks, and in this 80 marks, part A consists of 50 marks and part B is for 30 marks. The rest 20 marks is for part C, that is your project work. And in project work, project file is of 12 marks and Viva is for 8 marks. जनरली प्रोजेक्ट फाइल में आपको टीचर्स एक प्रोडक्ट दे देती हैं, आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, उस प्रोडक्ट का नेम डिसाइड करना पड़ता है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्या प्राइसिंग रखेंगे आप, कैसे उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, उन सब के बारे में आपको उस प्रोजेक्ट को बनाना होता है। तो प्रोजेक्ट फाइल में तो आपका जनरली ये होता है, और भी टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको फाइनेंशियल मार्केट पर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। तो बहुत टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आपको दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टीचर टीचर कि टीचर आपको कौन सा टॉपिक अलॉट करती है। फिर जो 8 मार्क्स का इंटरनल वाइवा होता है, ये एक्चुअली एक्सटर्नल टीचर्स आती हैं आप लोगों के स्कूल में, एक्सटर्नल टीचर्स इस वाइवा को लेती हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। सो कमिंग टू योर पार्ट ए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पार्ट ए जो बुक है उसमें हमारी 8 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड यूनिट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड यूनिट इज बिजनेस एनवायरमेंट। तो अब इन तीन यूनिट्स की वेटेज है आपकी 16 मार्क्स, तीनों वेटेज की। सीबीएसई ने इंडिविजुअल यूनिट की इंडिविजुअल वेटेज इशू नहीं की गई है, सीबीएसई ने सिर्फ ये बताया है कि इन तीनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 16 मार्क्स। कमिंग टू यूनिट 4 प्लानिंग एंड यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग, तो इन दोनों चैप्टर्स की complete weightage is for 14 marks. Next unit staffing, then 7th unit directing, and then 8th unit controlling. In tino units ki weightage is 20 marks. Now coming to the part B, business finance and marketing. Jaisa ki maine aapko bataya, part B hamari total 30 marks ki hai. To units isme 4 hai. Pehli unit hai financial management. Ye individual unit कि आपको अलॉटमेंट नहीं दी गई है। इसके साथ 10th यूनिट भी है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। इन दोनों की कंबाइंड यूनिट्स की वेटेज आप लोगों को गिवन है, वो है आपकी 15 मार्क्स। नाउ कमिंग टू 11th यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी लेंदी चैप्टर है, लेकिन मेरी बात मानिए बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। 12th चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये चैप्टर आपका बहुत छोटा चैप्टर है, मिनिमम 5 to 6 पेजेस का चैप्टर है ये आपका, और इन दोनों की कंबाइंड वेटेज है 15 मार्क्स। अब 15 मार्क्स में से जो आपकी ये वाली यूनिट है, इसमें आपका मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का आता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली यूनिट है वो अप्रोक्सीमेटली हमारी 10 to 12 मार्क्स की होती है। नाउ पार्ट ए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें हम ये बात करेंगे कि इंडिविजुअल यूनिट्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। सो यूनिट 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिट में हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। हर किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, किसी भी एंटरप्राइज में मैनेजमेंट का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रेजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मैनेजमेंट को एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इन तीनों चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ आर्ट, इट इज फुली आर्ट, थोड़ा सा पार्शियलिटी साइंस एंड पार्शियलिटी इज प्रोफेशन। तो जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है और क्यों उसे पार्शियली साइंस कहा गया है और क्यों उसे पार्शियली प्रोफेशन कहा गया है। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के तीन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। अब तीनों लेवल्स पे कौन कौन इंडिविजुअल्स होते हैं उसकी हम बात करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट फंक्शंस। अब ये 5 फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग,
देन योर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. हमारे ही सिलेबस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के इंडिविजुअल यूनिट्स भी हैं, ठीक है जी. लेकिन फर्स्ट यूनिट में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है पांचों फंक्शंस का. आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन भी एक टाइप का फंक्शन है मैनेजमेंट का. कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब इसे क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो यूनिट टू इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं. अब पहली बात, प्रिंसिपल जरूरी क्यों है, प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है. अब एक फ्योल प्रैक्टिशनर है, उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. 14 प्रिंसिपल्स. अब इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम उन सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिशनर है आपका टेलर. अब टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है वो भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. जब हम डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर की, तो मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. आई थिंक 5 प्रिंसिपल्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और कुछ टेक्निक्स भी होती है. देर आर 7 to 8 टेक्निक्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ कमिंग टू अ थर्ड यूनिट, बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट क्यों होता है, हमें बिजनेस में एनवायरमेंट की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ेंगे इसमें. अब बिजनेस एनवायरमेंट के डायमेंशंस क्या है. हमारा एनवायरमेंट इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी होता है, पॉलिटिकल, लीगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है या पॉलिटिकल या लीगल, वो सब हम बात करने वाले हैं. डीमोनेटाइजेशन, इस टर्म से हम सब फेमिलियर हैं. 2016 में हुआ था डीमोनेटाइजेशन, तो अब हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट था, डीमोनेटाइजेशन आखिर था क्या और ये क्यों हुआ, क्या इसके फीचर्स थे. ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या है हमारे बिजनेस एनवायरमेंट पे. 3 पॉलिसीज है एलपीजी जो 1991 में इशू हुई थी. एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे. यूनिट 4 इज प्लानिंग. अब प्लानिंग मीन्स हम कोई भी काम करने से पहले एक इफेक्टिव प्लान बनाते हैं कि हमें ये काम कैसे कैसे करना है. तो मैनेजमेंट में भी, किसी भी बिजनेस एंटिटी में भी पहले प्लानिंग होती है. प्लानिंग में गोल सेट होते हैं कि हमें ये गोल सेट करने हैं और इन्हें कैसे कैसे अचीव करना है. दैट इज नोन एज प्लानिंग. तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और लिमिटेशंस क्या है. अब प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जिससे प्लानिंग रिजिड होती है. अगर आपने एक बार प्लान बना लिए तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है. इसी तरीके की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है जो हम पढ़ने वाले हैं. फिर प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है प्लानिंग का, वो भी हम पढ़ेंगे. सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, ये सब टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं. ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें आपका प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं. नाउ कमिंग टू यूनिट 5, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कीपिंग द थिंग्स एट अ प्लेस. चीजों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए हमें. हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे बिजनेस से, उन सबको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उन सबको बताना चाहिए कैसे कैसे काम करना है, क्या काम करना है. दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस और कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसका भी प्रोसेस पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप. अब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ 2 टाइप, फंक्शनल एंड डिविजनल. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम 2 फंक्शंस में डिवाइड कर दें, जैसे अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दूं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दूं, तो इसमें मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. दूसरी है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे अगर मैं अपनी कंपनी में कुछ शर्ट्स बना रही हूँ और साथ साथ फुटवेयर्स भी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं अपने बिजनेस को अब 2 प्रोडक्ट्स में यूज कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, शर्ट्स एंड फुटवेयर. अब इन शर्ट्स के को भी मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर सकती हूँ. जैसे शर्ट्स है, अब शर्ट में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, शर्ट में भी आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, शर्ट में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेम
आपका फुटवेयर में भी ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है जब पे फॉर्मल चीजें होती हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। व्हेयरएज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन मतलब अगर कोई सीनियर अपना कोई भी काम अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दे, उसको दे दे, थोड़ा काम डिवाइड कर दे, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। अब डेलीगेशन के एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर एक सेंट्रल एम्प्लॉइज या सेंट्रल सुपीरियर्स के पास है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब अथॉरिटी मेकिंग पावर्स पूरे बिजनेस पे हम स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स, स्टाफिंग का मतलब पुटिंग राइट पीपल टू द राइट जॉब, मतलब सही लोगों को चूज करना और उन्हें सही प्लेस पे, सही जॉब्स पे प्लेस करना, वो काम होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब स्टाफिंग क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है? अब हमें पता है किसी भी बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स को हमने लिंक किया है इस चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टाफिंग कैसे कैसे होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे इंप्लॉयज को रिक्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी बात करेंगे कि हम अपने इम्प्लॉयज को ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, जो काम करते करते उनको सिखाते भी हैं, उनकी डेवलपमेंट भी करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट कमिंग टू योर डायरेक्टिंग यूनिट सेट। अब डायरेक्टिंग है अपने इम्प्लॉयज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देना कि किस तरीके से काम करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके साथ लीडरशिप स्किल्स दिखाना, वो सब हम बात करने वाले हैं इस यूनिट। इसमें हम मास्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरीज की भी बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी 5 नीड्स होती हैं। मास्लो ने नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले जैसे होती है आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी हम इसमें बात करने वाले हैं। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, देन आपके बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव नहीं हो सकता, कब कुछ बैरियर्स आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा अच्छा नहीं हो रहा है या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जा रही है, हम इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके भी कुछ मेथड्स हैं। नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ योर मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब अब जब आपने सारी प्लानिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, अब आपको देखना है कि जितना भी हमने काम किया है वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं अपने सारे काम को। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम अपने सारे एक्शंस को एनालाइज नहीं करेंगे तो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे कंट्रोलिंग होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो बेसिकली ये यूनिट हमारी, सो बेसिकली ये पार्ट हमारा 30 मार्क्स में डिवाइडेड है। 4 यूनिट्स हैं इसमें, जिसमें पहली यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो भी हमारे कंपनी के फाइनेंसेस होते हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल क्या है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब हम किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में ना 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। पहला इन्वेस्टमेंट, देन फाइनेंसिंग, देन डिविडेंड।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है कि हमें अपनी कंपनी में फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए करने हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए करने हैं, फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है कि अगर हमें अपने बिजनेस में फंड्स की नीड है तो उन फंड्स को हम कौन से सोर्स से रेज कर सकते हैं, जैसे इक्विटी से कर सकते हैं या डेट से कर सकते हैं। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर के फंड से हम उन्हें सोर्स करें या फिर बोरो करें फंड्स। नेक्स्ट इज योर डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ये बताता है कि कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स हैं, अब उन प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे और कितना पार्ट कंपनी रिटेन करे अपनी कंपनी में वो संभाल के रखे एज अ रिटेन, उस डिसीजन की हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। अगला कंसेप्ट आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? एक कंसेप्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वाला कंसेप्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कंपनी के जो फंड्स हैं उसमें मिक्स कितना है, मिक्स किस चीज का, डेप्ट और इक्विटी, मतलब कितना परसेंट डेप्ट और कितना परसेंट इक्विटी, वो हम इसमें बात करेंगे। ये यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। 1-6 मार्क्स का क्वेश्चन इस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट पे आता ही आता है। देयर इज 95% चांसेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये भी हम बात करने वाले हैं। ओके, सो आपकी यूनिट 10 है आपकी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट मतलब जो मार्केट जहां पे फाइनेंसेस एक्सचेंज होते हैं, फंड्स एक्सचेंज होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है? अब फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मार्केट में डिवाइडेड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या है उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, फ्लोटेशन क्या है प्राइमरी मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट भी ना आपके दो मार्केट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी मार्केट को ना हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में हम स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस पढ़ेंगे और उसका ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर मतलब कैसे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स जाते हैं, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स को बाय कर सकता है शेयर्स को या सेल कर सकता है, उस सबका प्रोसीजर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबको पता है सेबी क्या होती है, ठीक है, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स, ठीक है, और सारी चीजों को देखता है कि सारी जो भी ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज में वो एफिशियंटली हो रही है या नहीं हो रही है। अब आती है आपकी यूनिट 11 मार्केटिंग। मैंने पहले भी बताया आपकी ये वाली यूनिट आपकी थोड़ी सी लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जितना भी इसमें पढ़ेंगे ना आप सब चीज रिलेट कर पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ से। अब मार्केटिंग जरूरी क्यों है हमारी इकोनॉमी में? हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेल करते हैं, लेकिन वो सेल कैसे करते हैं? खाली प्रोडक्ट बनाना और सेल करना इज नॉट कप ऑफ टी ऑफ टूडेज वर्ल्ड। मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज की दुनिया। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, फिलॉसफीज क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स में आपकी चार चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। इसको हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब इन 4 P's को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर आती है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे, उसकी लेबलिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, उन सब चीजों की हम बात करेंगे। प्राइस अगर हमें डिटरमाइन करना है तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करें, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइसेस को चेंज करेंगे, उन सब चीजों की हम बात करेंगे। फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम प्रोडक्ट्स को एक जगह से लेके दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रमोशन। प्रमोशन में आ जाता है आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाओगे, एडवर्टाइज करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे। पर्सनल सेलिंग आपने देखा होगा कभी कभी आप लोगों के घर में या फिर कहीं भी कुछ लोग आते हैं अपने बैग्स में कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आपको दिखाते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट्स,
वो होता है पर्सनल सेल, होता है सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग यूनिट में। अब लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस यूनिट की वेटेज मैक्सिमम 3 to 4 marks होती है। इसमें आपको पढ़ना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है, क्यों है कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड हो जाए या कोई ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस हो जाए तो वो कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे, कौन फाइल करेगा कंप्लेंट, और उनकी कंप्लेंट को सुनेगा कौन, रिड्रेस कौन करेगा, और उनके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं एनजीओ का रोल क्या है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। ठीक है जी, तो ये था आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में। बिजनेस स्टडीज आपका एंटायरली थियोरिटिकल सब्जेक्ट है और ये थ्योरीज मैं आपको बता दूं सिर्फ रट्टा मारने से और लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आपका 90% कितना 90% केस स्टडीज आती है, और उन केस स्टडीज को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट की इनडेप्थ नॉलेज होगी। जैसे ही आपको कंसेप्ट की इनडेप्थ नॉलेज हो जाएगी आप केस स्टडीज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से कंसेप्ट की बात की गई है, और फिर आपके लिए बिजनेस स्टडीज की क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट में बच्चे 100 on 100 आराम से स्कोर करते हैं। लेकिन 100 on 100 स्कोर करने का एक ही तरीका है, आपको डे वन से स्टडी करना है, डे वन से लर्न करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप डेली सब्जेक्ट को आधा घंटा भी देंगे ना तो यू कैन पास विद द फ्लाइंग कलर्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।